अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का क्लास सेवंथ जमात के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62, टॉपिक है सिंपैथी। तो आज हम इसके सवालात करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। नंबर वन, व्हेन द पोएट वाज अनहैप्पी, हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। देखो बच्चों, पहला सवाल है कि जब पोएट अनहैप्पी था, नाखुश था, दुख दर्द में था, तो उस वक्त उसकी हेल्प किसने की। आंसर है इसका, व्हेन द पोएट वाज इन ग्रीफ एंड स्ट्रेस, ए प्राउड मैन हेल्प्ड हिम बाय गिविंग द गोल्ड। यानी जब ये पोएट ग्रीफ और स्ट्रेस में था, पेन दुख दर्द में था, तो उस वक्त प्राउड मैन यानी अमीर आदमी ने उसकी मदद की गोल्ड देकर, सोना देकर। दूसरा सवाल है, व्हेन एंड हाउ डिड द पोएट पे टू रिच मैन बैक। यानी पोएट ने कब और कैसे रिच मैन को वो गोल्ड, वो सोना वापस कर दिया। आंसर है इसका, व्हेन हिज ग्रीफ एंड सारो पास्ड अवे, ही गेव द गोल्ड बैक टू प्राउड मैन एंड आल्सो थैंक्ड हिम। यानी जब ये पोएट ठीक हुआ, सेहतमंद हुआ, तो इसने उसको ये गोल्ड वापस कर दिया और इसके साथ साथ उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पोर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोएट। इन पोर मैन ने पोएट को कैसे हमदर्दी की। तो इसका आंसर है, द पोर मैन टुक द हेड ऑफ पोएट इन हिज हैंड्स, कंसोल्ड हिम, गेव हिम द ब्रेड एंड टुक केयर ऑफ हिम फॉर डे एंड नाइट। इन्हें जब ये पोएट दोबारा परेशानी में मुबतला हुआ, दुख दर्द में मुबतला हुआ, तो गरीब आदमी ने उसकी मदद की। गरीब आदमी आया, उसका सर अपने गोद में रखा, उसको दिलासा दिया, उसको ब्रेड खिलाया, उसका देखभाल किया, रात दिन उसके साथ वहां पर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट कुड नॉट पे बैक टू द पोर मैन, व्हाई। यानी गरीब आदमी, अमीर आदमी को तो उसने वापस कर दिया, लेकिन गरीब आदमी को ये क्यों वापस नहीं कर सका। हाँ, गरीब आदमी को ये वो जो उसने उसके साथ हमदर्दी की, वो वापस क्यों नहीं कर सका। इसका आंसर है, बिकॉज सिंपैथी हैज नो कॉस्ट, क्योंकि हमदर्दी की कोई कीमत नहीं होती है। इट वुड नॉट बी पेड, इसको वापस अदा नहीं किया जा सकता, इसको पेमेंट इसकी नहीं दे सकता है इंसान। इट इज वैल्यूलेस, क्योंकि ये बेकीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इट इज वैल्यूलेस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज सिंपैथी सेड टू बी हेवनली। सिंपैथी, हमदर्दी को हम क्यों कहते हैं कि ये हेवनली है, ये जनती है। इसका आंसर है बच्चों, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट हेल्प एंड कंसोलिंग फैक्टर ऑफ मैन। यानी ये सबसे बड़ी हमदर्दी होती है, सबसे बड़ी हेल्प होती है इंसान के लिए। इट नेवर गिव एनी हार्म टू एनीवन, ये किसी को कोई हार्म नहीं दे सकता है। इट इज नोबल एंड हम्बल, ये क्या है, नोबल भी है और हम्बल भी है। देखो बच्चा, अब लैंग्वेज वर्क का पहला सवाल है, अनस्क्रिबल द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बच्चों, यहाँ पर हर एक सवाल के सामने ये वर्ड दिया गया है, आपको ये सही करके लिखना है। हाँ, जैसे गोल्ड इज ए डेज मेटल, यानी ये जो है ये आपको ठीक करना है। यानी प्रिशियस, यहाँ पर प्रिशियस है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रिशियस, यानी गोल्ड इज ए प्रिशियस मेटल। पहला जो है ये प्रिशियस है। अब दूसरा है, वी मस्ट बी वेरी डेजेस टू द पोर। देखो बच्चों, ये जो डी आई एन के है, इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे तो ये काइंड बनेगा, यानी वी मस्ट बी वेरी काइंड टू द पोर। इसी तरह से तीसरा है, सिंपैथी इज कंसिडर्ड एज डेज डेज। यानी ये जो है, ये लेटर्स जो है, जब हम इनको रिसिग्रिबल करेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये हेवनली बनेगा। इसका मतलब है, सिंपैथी इज कंसिडर्ड एज हेवनली। चौथा है, काइंड पीपल आर ऑलवेज डेज डेज। यानी ये जो लेटर्स हैं, इनको जब सीधा करेंगे तो ये हेल्पफुल बनेगा। इसी तरह से पांचवा है, द डेज डेज हेल्प्ड द पोएट विद गोल्ड। यानी ये लेटर्स जो है, जब हम इनको सीधा करेंगे तो ये बनेगा रिच मैन, रिच मैन हेल्प्ड द पोएट। इसी तरह से छठा है, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर डेज डेज। ये लेटर्स जो है, इनको जब सीधा करेंगे तो ये टीचर्स बनेगा। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर
टीचर्स। इसी तरह से सातवां है द पुअर मैन वॉच डेज द पुअर मैन डेज डेज द पॉइट डे एंड नाइट, यानी ये लेटर जो है सीधा करेंगे तो ये बनेगा वॉच इट द पुअर मैन वॉच इट द पॉइट डे एंड। बच्चों लैंग्वेज वर्क का तीसरा सवाल, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऑल द मेंशनड वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। देखो बच्चों जो ये दिए गए वर्ड्स हैं ये इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं द नेम ऑफ ए क्वालिटी स्टेट फीलिंग और एन एरिया विच कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन और टचड, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बच्चों दिए गए हैं, जैसे ऑनेस्टी, लेजीनेस, काइंडनेस, फूलिशनेस, एंगर, क्रूल्टी, ब्रेवरी, पोलाइटनेस, स्ट्रेंथ, जेनरोसिटी वगैरह। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी डज ए काइंड मैन शो, यानी काइंड मैन के पास कौन सी क्वालिटी होती है, तो कुदरती बात है कि काइंडनेस। व्हाट क्वालिटी डज एन ऑनेस्ट मैन शो, ऑनेस्टी। व्हाट क्वालिटी डज ए फूलिश मैन शो, फूलिशनेस। व्हाट क्वालिटी डज एन एंग्री मैन शो, एंगर। व्हाट क्वालिटी डज ए क्रूअल मैन शो, क्रूएल्टी। व्हाट क्वालिटी डज ए स्ट्रांग मैन शो, स्ट्रेंथ। What quality does a generous man show? Generosity. What quality does a brave man show? Bravery. What quality does a polite man show? Politeness. What quality does a lazy man show? Laziness. तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये होमवर्क दी गई है, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से आपको चूज करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इसमें हैप्पीनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से लाफ्टर इज ए गुड मेडिसन, इसमें ये लाफ्टर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द रोज हैज ए स्वीट फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस जो है ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, यानी काइंडनेस जो है ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से बच्चों The cruelty of the cruel king made him unpopular, यानी cruelty जो है इसमें abstract noun है। छठा है The principal was pleased with the honesty of his staff, यानी honesty इसमें abstract noun है। Mother Teresa showed kindness to poor people, kindness जो है ये इसमें abstract noun है। इसी तरह से poverty can be eliminated by hard work, poverty जो है ये इसमें abstract noun है। बच्चों ये था आज का सबक, तो अब बैठो अल्लाह के हवाले, अस्सलाम वालेकुम।